तीसरा प्रस्ताव पथ निर्माण विभाग से दुमका जिलांतर्गत नौनीहाट बासुकीनाथ कैराबनी पथ कुल लंबाई 28.59 किलोमीटर पथ के मजबूतीकरण कार्य हेतु 27,46,71,000 मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव था, मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी गई। चौथा प्रस्ताव पथ निर्माण विभाग से पथ प्रमंडल डाल्टनगंज अंतर्गत डाल्टनगंज लेस्लीगंज पांकी पथ कुल लंबाई 45.175 किलोमीटर के मजबूतीकरण राइडिंग क्वालिटी में सुधार कार्य हेतु 31,35,39,000 मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदान की गई। पांचवा प्रस्ताव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से था। मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में। छठा प्रस्ताव वित्त विभाग से जिसके अंतर्गत मोबाइल फोन की सुविधा के संबंध में मोबाइल सेट्स की अधिसीमा को संशोधित किए जाने का प्रस्ताव था, जिस पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी गई। सातवां प्रस्ताव ये अलग अलग कैटेगरी है जो कि 9 साल पहले निर्धारित किया गया था, उसको रिवाइज किया गया है। सातवां प्रस्ताव वित्त विभाग से 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए झारखंड सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित सामान्य सामाजिक आर्थिक एवं राजस्व प्रक्षेत्रों पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को झारखंड विधानसभा के पटल पर उपस्थापन के संबंध में प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। आठवां प्रस्ताव ऊर्जा विभाग से है, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सपोर्ट टू सक्सेसर कंपनी ऑफ जेएसईबी के लिए अनुदान राशि 3,60,00,00,000 मात्र विमुक्त करने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदान की गई। नवा प्रस्ताव स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग से झारखंड राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में प्राध्यापक एवं सह प्राध्यापक के रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियुक्ति नियमावली 2021 के गठन के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी गई। दसवां प्रस्ताव उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग से झारखंड राज्य में दूरस्थ माध्यम से शिक्षा प्रदान करने हेतु झारखंड राज्य खुला विश्वविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदान की गई। ये तो ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना का प्रस्ताव होगा, ये मुख्यालय में प्रारंभ में स्थापित होगा। ग्यारहवां प्रस्ताव राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से है, झारखंड वित्त विधेयक 2018 को भारत सरकार से वापस मंगाने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी गई। बारहवां प्रस्ताव वित्त विभाग से गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग अंतर्गत प्रोबेशन सेवा के प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी के पद हेतु स्वीकृत वेतनमान ग्रेड वेतन का संशोधन उत्क्रमण पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी गई और इसका प्रभाव 1/1/2006 से है। तेरहवां प्रस्ताव वित्त विभाग से सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में सरकारी सेवकों को विभिन्न भत्तों की अनुमान्यता से संबंधित वित्त विभागीय संकल्प संख्या 737 दिनांक 27/3/2018 में संशोधन के संबंध में। ये भारत सरकार के अनुरूप एचआरए के दरों में संशोधन से संबंधित है। चौदहवां प्रस्ताव महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से है।
13वां प्रस्ताव या कौन से प्रस्ताव का कह रहे हैं? एचआरए भारत सरकार द्वारा जो मकान किराया भत्ता के दरों को अधिसूचित किया गया है उसमें प्रावधान है कि जब डीएनएस अलावेंस 25% क्रॉस करता है तो एचआरए के दर होंगे 27%, 18% और 9%। ये एक्स वाई जेड कैटेगरी शहरों के लिए है और डीए का दर 50% से अधिक बढ़ने पर एक्स वाई जेड कैटेगरी शहरों के लिए ये 30%, 20% और 10% रहेगा। भारत सरकार के अधिसूचना के अनुरूप ही राज्य सरकार के कर्मियों को महंगाई भत्ता 25% से अधिक होने पर दिनांक 1/7/2021 के प्रभाव से एक्स वाई जेड श्रेणी के शहरों के लिए मकान किराया भत्ता की दरें पुनरीक्षित कर मूल वेतन के 27%, 18% एवं 9% के आधार पर अनुमानीय करने का प्रस्ताव था जिसे मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी गई। 14वां प्रस्ताव महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से है। केंद्र प्रायोजित अम्ब्रेला ICDS के अंतर्गत आंगनवाड़ी सेवाएं योजना के अधीन पूरक पोषाहार कार्यक्रम के अंतर्गत 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों पर गर्म ताजा पोषाहार अंडा सहित उपलब्ध कराने निमित्त संशोधन संबंधी प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अंतर्गत अभी बच्चों को 6 दिन अंडा उपलब्ध कराया जाएगा। 15वां प्रस्ताव वित्त विभाग से राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान 6ठा केंद्रीय वेतनमान में दिनांक 1/7/2021 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में। 100 अपुनरीक्षित में महंगाई भत्ता की दर 164% है जिसे बढ़ा करके 189% स्वीकृत किया गया और यह 164 से 189 ये अपुनरीक्षित वेतनमान में है और ये प्रभावी होगा 1/7/2021 के प्रभाव से। 16वां प्रस्ताव वित्त विभाग से राज्य सरकार के पेंशनधारियों पारिवारिक पेंशन भोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान 6ठा केंद्रीय वेतनमान में दिनांक 1/7/2021 के प्रभाव से महंगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में। ये भी 6ठा वेतनमान केंद्रीय वेतनमान अपुनरीक्षित जिसके तहत महंगाई भत्ते की दर को 164% से बढ़ा करके 189% स्वीकृत किया गया जो कि 1/7/2021 से प्रभावी होगा। 17वां प्रस्ताव वित्त विभाग से राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान 5वें वेतनमान में दिनांक 1/7/2021 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में। 5वें वेतनमान में 312% से अभिवृद्धि करते हुए 356% स्वीकृत किया गया जो 1/7/2021 से के प्रभाव से होगा। 18वां प्रस्ताव उद्योग विभाग से माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के द्वारा रांची जिला के बरहे बिजूपाड़ा में फार्मा पार्क की स्थापना हेतु आधारभूत संरचना निर्माण जिनकी कुल परियोजना लागत 34.94 करोड़ है इसके कार्यान्वयन एवं इसमें निहित राज्यांश की देय राशि 13.47 करोड़ की स्वीकृति के संबंध में मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। फार्मा पार्क की स्थापना के संबंध में 19वां प्रस्ताव पथ निर्माण विभाग से धनबाद जिलांतर्गत शंकरडी कमारडी पथ कुल लंबाई 12.62 किलोमीटर
ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य भू अर्जन सहित कुल राशि 28,66,61,500 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदान की गई। 20वां प्रस्ताव पथ निर्माण विभाग से झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकार के माध्यम से कदवा मोड़ डंडई ब्लॉक टहले चकला रबदा रंका पथ कुल लंबाई 38.565 किलोमीटर को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण पुनर्निर्माण कार्य पुलों के निर्माण भू अर्जन एवं रीसेटलमेंट रिहैबिलिटेशन सहित 114,83,73,000 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदान की गई। 21वां प्रस्ताव नगर विकास एवं आवास विभाग से झारखंड नगर पालिका संशोधन विधेयक 2021 के गठन की स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदान की गई। इसमें मुख्य रूप से जो 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें थी, भारत सरकार से जो प्रॉपर्टी टैक्स रिफॉर्म से संबंधित जो निर्देश प्राप्त थे उसे लागू करते हुए वर्तमान में लागू संपत्ति कर निर्धारण संग्रहण एवं वसूली की व्यवस्था अंतर्गत संपत्ति कर की गणना को वार्षिक किराया मूल्य अर्थात एनुअल रेंटल वैल्यू के स्थान पर उसको सर्कल रेट्स पर आधारित कैपिटल वैल्यू के माध्यम से गणना करने के संशोधन का प्रस्ताव है। ये डिटेल में अलग से इसकी डिटेल्स आप लोग ले लीजिएगा, लेकिन मुख्य रूप से ये अंतर आएगा कि ये सर्कल रेट्स पर आधारित होगा। बाईसवां प्रस्ताव उद्योग विभाग से असंगठित क्षेत्र के खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को संगठित करने हेतु खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना स्कीम फॉर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस के विभिन्न अवयवों एवं राज्यांश की स्वीकृति के संबंध में, इसके तहत वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की परिकल्पना है। एक डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट को प्रोत्साहित किया जाएगा और जिसके तहत उसके इकाइयों को सहयोग दिया जाएगा उसके ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए। तेईसवां प्रस्ताव कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग से सिद्धू कान्हू कृषि एवं वनोपज राज्य सहकारी संघ लिमिटेड एवं सिद्धू कान्हू कृषि एवं वनोपज जिला सहकारी संघ लिमिटेड के गठन की स्वीकृति के संबंध में, इसमें राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर सहकारी संघ के गठन की स्वीकृति दी गई मंत्रिपरिषद द्वारा। चौबीसवां प्रस्ताव गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से झारखंड खिलाड़ी सीधी नियुक्ति नियमावली 2014 के तहत अनुशंसित खिलाड़ी केएच भाग्यवती चानू का समूह ख के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित अर्हताओं को छांत करने के संबंध में प्रस्ताव था जिसे मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।